बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सहर आरुन किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन पसंदे, जो बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पसंदे किस तरह के होते हैं। तो यहाँ ये लिया है मैंने मटन, तो मटन की इतनी पतली पतली स्ट्रिप, इतनी ऐसे आपको कट करनी है और इसको हम लंबाई में कट करेंगे। तो आप अपने बूचड़ से अगर लें तो आप उसे बोल दें कि पसंदे चाहिए, तो वो आपको इस तरह की पतली पतली स्ट्रिप काट के दे देगा। तो इसी तरह की पतली स्ट्रिप से ये बनाए जाते हैं। तो ये इसमें बिल्कुल फैट नहीं लेना है, रूखा लेना है। और ये मैंने लिए हैं यहाँ 500 ग्राम। तो ये बिल्कुल वॉश करके मैंने इसको पानी एक्स्ट्रा जो था वो सुखा लिया है, क्योंकि इसमें एक्सेस पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैंने लिया है कुछ मसाले, यह 6 मैंने लिए, 6 से 7 हरी मिर्च, आधा चम्मच से भी कम मैंने लिया है नमक, आधा चम्मच लिया है मैंने यहाँ खसखस यानी पॉपी सीड, 4 बादाम लिए हैं और 2 चम्मच काजू लिए हैं, और यहाँ लिया है मैंने 2 चम्मच ये रोस्टेड बेसन। अगर रोस्टेड बेसन ना मिले तो आप इसमें भुने हुए चने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, छिलका उतार कर। भुने हुए चने मुझे नहीं मिले इसलिए मैंने यहाँ पर ये रोस्टेड बेसन लिया है। तो इसका हमें एक पेस्ट तैयार करना है बहुत कम पानी के साथ। वैसे तो इसे सूखा ही तैयार करना है, और अगर ज़रूरत लगे ना पीस पाए तो इसमें 2 चम्मच पानी मिलाकर इसे पीसना है, क्योंकि ये पसंदों पर लगाकर आधा घंटे के लिए रखा जाएगा। यहाँ लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसमें से 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ लिया है मैंने कुछ गरम मसाला, जिसमें 4 लौंग हैं, 3 छोटी इलायची और 1 ये सिनेमन स्टिक का छोटा सा टुकड़ा लिया है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। और यहाँ लिया है मैंने सूखे मसाले, तो आधा चम्मच नमक लिया है। आधा चम्मच इसलिए क्योंकि पसंदों के लिए नमक हमने इसमें लिया था, और ये हम नमक ले रहे हैं ग्रेवी के लिए। थोड़ी सी ली है मैंने यहाँ पर हल्दी, और एक चम्मच लिया है मैंने फुल भर के यहाँ धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर मिर्च पाउडर। तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ लिया है मैंने 3 चम्मच दही, और दही बिल्कुल खट्टा नहीं है। तो चलिए हम बनाने से शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी स्टेप आप अगर छोड़ देंगे तो आपकी रेसिपी मेरी तरह नहीं बन पाएगी। तो मसाला पीसकर हमारा रेडी हो गया है, और यहाँ पर अब हमने एक पटरा ले लिया है और बेलन, और यहाँ पे मैंने एक पीस रख लिया है। और अब हमें क्या करना है कि इसको बेलन से हमें थोड़ा सा और इस तरह से करना है, ताकि ये थोड़ा सा और फ्लैट हो जाए। और फ्लैट करने के बाद इस तरह से हमें इस पे होल करना है, ताकि जब भी हम इसमें मसाला मिलाएं तो अंदर तक मसाला सारा एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए, इसमें अंदर तक ये सारा मसाला पहुंच जाएगा। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। थोड़ा इसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन डिश बहुत बनकर अच्छी तैयार होती है, इसलिए मेहनत कोई भी मायने नहीं रखती। तो सारे ही हम इस तरह से कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक पीस उठाना है और इस पे हमें लगाना है मसाला। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा लगाना है। तो इस तरह से सारे मसाले में हम इसे कोट कर लेंगे। सारे हमने इस तरह से कोट करके रख लिए हैं, और ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको हम 20 मिनट के लिए ढककर किचन काउंटर पर ही छोड़ देते हैं, और जब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। हमने तेल गर्म करने रख दिया है, और इसी में मैंने एक प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो एक प्याज को आप फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद तेल अभी गर्म है, तो हम इसमें ये गर्म मसाला डाल देते हैं। और गर्म मसाला डालने के बाद हल्का से ये चटक जाए, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का और 2 चम्मच अदरक का।
हम आधे मिनट के लिए इसी तरह से भून लेते हैं। अभी हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। आधा मिनट हो गया है, इसमें हम डालेंगे ये सूखे मसाले और इसको हम ऐसे ही चला लेते हैं। अभी पानी अभी हमें नहीं डालना है क्योंकि इस तरह करने से कलर जो है वो मसाले का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो सारे मसाला हमने इसमें डाल दिया है और ये जो प्याज हमने फ्राई करके निकाली है इसको हमें पीसना है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बस दरदरा सा ही हमें इसे पीसना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इस मसाले को हम भूनेंगे बहुत अच्छी तरह से कम 10 मिनट के लिए, ताकि मसाले का सारा कच्चापन जो है वो निकल जाए और मसाला अच्छी तरह से परफेक्ट कुक हो जाए। तो भूनते हुए हो गए हैं 10 मिनट और ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से परफेक्ट ये भुन गया है और इसमें भुने हुए मसाले की खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट। ये मैंने प्याज जो फ्राई करके रखी थी वो और जो मैंने दही दिखाया था उन दोनों को मैंने एक साथ डालकर हल्का सा पीस लिया है। तो ये सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं। दही डाला है इसलिए गैस का फ्लेम स्लो कर दें वरना दही फट सकता है। तो इसको अच्छी तरह से हम चला देते हैं और मिक्सर जार में जो है बहुत सारा मसाला है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि एक चम्मच पानी डालने की ज़रूरत भी है। तो बस इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेते हैं ताकि ये प्याज और जो दही है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए और इसका एरोमा अच्छी तरह से मसाले में आ जाए। तो इसको कवर करके ही भूनेंगे। चीज़ अच्छी तरह से हमारी भुन गई है, बिल्कुल मसाला रेडी हो गया है और इसको भी रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, 20 से 25 मिनट। तो अब हम इन्हें भी डाल देते हैं। वैसे तो इन्हें गलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अभी पहले हम इसे मसाले में इसी तरह से बिछाएंगे। तो इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे जगह करते हुए ताकि सारे ही ये इसमें आराम से आ जाएं। तो सारे ही हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हम इस तरह से मसाले में अभी दबा देंगे। और इसको हम कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक बिल्कुल भी अब हमें इसे बिल्कुल इसे चलाना नहीं है। तो हो गए हैं 5 मिनट और अब हमें क्या करना है, जिस प्लेट में हमने इसको मैरिनेट करके रखा था उसी प्लेट में मसाला था तो उसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और बस इतना पानी परफेक्ट है इसे गलाने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं गलेंगे क्योंकि मटन में है और भी बहुत पतले स्ट्रिप हमने इसे कट किया है और इसमें हमने होल भी कर लिए थे। और अगर बीफ ले रहे हैं तो इसमें आप एक सीटी भी लगा सकते हैं। तो इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए गलने ताकि ये परफेक्ट कुक हो जाए, फिर हम उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इसको पकते हुए हो गए हैं 15 मिनट और अच्छी तरह से ये बिल्कुल कुक हो गए हैं और टेंडर हो गया है बिल्कुल मटन हमारा। तो अभी ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है इसमें क्योंकि अभी परफेक्ट तरह से भुने नहीं हैं ये। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है तो ये आधा चम्मच मैंने इसे ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया ताकि हरे धनिया की खुशबू जो है वो सारी पसंदों में आ जाए क्योंकि हरा धनिया इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको 2 मिनट के लिए हम भून लेते हैं ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। हो गए हैं और ऑयल भी इसमें सेपरेट होने लगा है। तो बस इसे हम अब करते हैं गैस का फ्लेम ऑफ
और इसको हम 5 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। इतनी आसानी से हमारी पसंदे की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग आया है। तो अभी सबके घरों में मटन होगा तो आराम से आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट गल भी गई हैं और एकदम ये कटोरी की तरह इसकी बोटियाँ हो गई हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इसे ज़रूर से बनाएं और इंजॉय करें मेरी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मैं मिलती हूँ ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।